हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हेक्सागोनल बनाएंगे, टॉप फ्रंट और साइड व्यू कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसके लिए हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चन, जिसमें डी हमारा 40 हुआ और डिस्टेंस अक्रॉस निकालेंगे तो 2D हो जाएगा, 80 हो जाएगा डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर ड्रॉ करते हैं। 2D 80 हमने ले लिया और इसके बाद हम नट की जो हाइट होती है हमारी डी होती है, उसको ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ सेम एज राइट साइड भी, और इसको यहाँ से यहाँ तक उससे मिला देंगे। ठीक है, अब हम एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लेंगे बीच में जो 40 mm की होगी, क्योंकि हमारा 2D हमने यहाँ पे लेंथ ली थी टोटल, तो ये 40 हो गई। और जो बीच वाला पोर्शन है हमारा, उसको हम डी लेंगे, 20 इधर 20 उधर। ये हमने यहाँ पे 20 इधर मार्क किया राइट साइड में, और ये 20 लेफ्ट साइड में मार्क किया, जो हमारा डी आ गया यहाँ से यहाँ तक 40, जो कि हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें यहाँ पे एक आर्क मारनी होगी बीच में, क्योंकि जैसा हमारा नट दिखता है उसके लिए हमारा रेडियस ऑफ चैम्फर दिया होता है 1.4D होता है, जो कि डी 40 दिया हुआ, कैलकुलेट करने पे हमारा 48 mm आया, 48 mm। तो हम अपने कंपास को खोल लेते हैं 48 mm तक, ये खोला हमने, और इसको यहाँ पर रख कर एक आर्क पूरी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये पोर्शन बचा हुआ है छोटा वाला, ये वाला, इसको हम हाफ़ डिवाइड कर लेंगे। हाफ डिवाइड करेंगे तो कितना 10-10 का आ जाएगा, क्योंकि हमारा डी हमारा 40 दिया हुआ था, और 10 mm का आ गया ये। और इधर भी सेम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब जो इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर लाइन एक हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमने लाइन यहाँ पे इस पर ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को हम हाफ डिवाइड करेंगे कंपास की हेल्प से, इसकी जो डिस्टेंस हमारी टोटल, इसको इससे थोड़ा बड़ा लेकर हम इसको डिवाइड करेंगे ज्योमेट्रिकली। आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक आर्क यहाँ भी मार देते हैं और कट किया हमने आर्क से, और इसको इस जो कटिंग आर्क हमारी दोनों कट हुई इसको मिला देंगे, और जिस पॉइंट पे इस पर इसके एक्सिस पे मिलेगी इस पर यहाँ इतना ही कंपास खोल के एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, जो मेन आर्क से हमारा टच होता हुआ ड्रॉ हो जाएगा। और ये जो हमारी आर्क ड्रॉ हो गई सेम एज लेफ्ट साइड भी ड्रॉ कर लेंगे उतने का ही, हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको डार्क कर लेते हैं, हमारा ये फ्रंट व्यू बन गया है। इस लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और साथ में इसको भी, ठीक है। अब हम टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन एक्सिस लाइन खींच लेते हैं एक्स वाई वाली, जो फिर अब हमें टॉप व्यू बनाना है, तो उसके लिए हम फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लेने के लिए हम इसको सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइन ली, दूसरी प्रोजेक्शन लाइन हमने यहाँ ली, फिर तीसरी प्रोजेक्शन लाइन हमने यहाँ ली, ओके, चौथी ये हो गई हमारी वाली प्रोजेक्शन लाइन। तो अब हमें सबसे पहले कंपास को खोलना है डी तक, ताकि 2D का एक सर्कल ड्रॉ हो हेक्सागोनल बनाने के लिए। ठीक है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और इस सर्कल पर ये ऐसे दिखता है फ्रंट व्यू में, तो टॉप व्यू में ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे रखा हुआ दिखेगा ये टॉप व्यू में, और टॉप व्यू के लिए हम यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और अब हम इस पे हेक्सागोनल बनाएंगे। जो सर्कल हमने ड्रॉ किया इसे लाइट ही ड्रॉ करना आप, क्योंकि बाद में इसकी कोई काम नहीं होता।
इससे हम एक आर्क लेंगे, एक यहाँ, ये डी आर्क ही है, जो डी हमने कंपास खोला था उतना ही है डी, और एक आर्क यहाँ लेंगे और एक यहाँ, ठीक है। अब ये छः पॉइंट जो हमें मिले हैं इनको मिला देंगे हम। पहले हम इसको मिलाएंगे, दूसरा हम इसको भी टच कर देते हैं एक दूसरे से, और फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ड्रॉ कर टच कर देते हैं, इस वाले पॉइंट को उससे टच कर देते हैं, सेम एज इसको भी, और लास्ट वाले को भी हम टच कर देंगे, ठीक है। और इसके टच करने के बाद हम इन्हें डार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हेक्सागोनल बन गया। अब हम कंपास को डी बाई टू तक खोल लेंगे रेडियस, क्योंकि हमें डी का एक उससे पहले हमें यह हेक्सागोनल बनाना होगा। हेक्सागोनल से टच होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे पहले, और ये हेक्सागोनल, ये जो बाहर वाला इसका जो सर्कल दिख रहा है, ये वाला, ये वही सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला। और अब एक डी बाई टू की एक रेडियस लेके कंपास खोलेंगे, जो कि हमें डी का एक सर्कल देगा, डी सर्कल देगा वो, ठीक है। इसको खोल लिया हमने यहाँ से यहाँ तक डी का सर्कल बनाने के लिए, और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने ये, और अब जो हमारे डी का सर्कल है, ये डी का सर्कल हमारा ये बन गया। अब हमें ये करना है ड्रॉ, ये डी का सर्कल 40 आ गया ये। अब हमें क्या करना है, थिकनेस ऑफ नट ड्रॉ करनी है, 0.8D होता है, जो कि कुछ बुक में 0.9 से डी तक दिया होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 0.8D ले रहा हूँ। 0.8D लिया तो हमारा 32 mm आया, डी हमारा 40 दिया था, तो हमने इसे 16 mm खोला रेडियस, और 32 mm का हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। और इस सर्कल को हम हाफ थोड़ा खुला छोड़ देंगे इनर थ्रेडिंग दिखाने के लिए, इंटरनल थ्रेडिंग दिखाने के लिए, ठीक है ये। और ये हमारा टॉप व्यू तैयार हो गया। अब प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, हमें क्योंकि साइड व्यू हमारा ड्रॉ करना है, साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए, इसके लिए हम यहाँ से इसको प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया हम यहाँ पे, और साथ में फ्रंट व्यू से भी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर ली। ये सब मैं थर्ड एंगल में बना रहा हूँ, आप फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो फ्रंट व्यू ऊपर आ जाएगा साइड व्यू, और टॉप व्यू नीचे आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल सेम बनता है। बस थर्ड व्यू में ये है कि जो साइड व्यू है, जिस तरफ से देखोगे उस तरफ ही बनता है, लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो लेफ्ट साइड ही बनेगा, लेकिन फर्स्ट एंगल में अगर राइट साइड से देख रहे हो तो राइट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, ओके। इसके लिए अब हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली, और 1.5D प्लस 3 इसकी लेंथ होगी साइड व्यू की, जैसे एज आप देख रहे हो ऊपर टॉप व्यू में उसकी लेंथ इसको, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल सेम इसकी तरह ही करेंगे डिवाइड, कौन ड्रॉ करने के लिए, आर्क ड्रॉ करने के लिए इसको हमने हाफ डिवाइड किया, साइड व्यू का जो एक पार्ट था हमारा, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, और ज्योमेट्रिकली से इस लाइन को जो हमने ड्रॉ किया इसको हाफ कर देंगे, और जो पॉइंट हमारा आर्क लेके आएगा इसको, उसको टच कर देंगे, और जिस पॉइंट पे हमारा टच होगा वहाँ से एक आर्क लेंगे, एक यहाँ पे हमने एक आर्क मारी, एक आर्क यहाँ पे ली, और दूसरी साइड से हमने भी एक आर्क ली, और दोनों आर्क जो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रही है उस पॉइंट को लेके टच कर देंगे, और जो एक्सिस लाइन जो इसका हमने लिया एक मिडिल पोर्शन में, उस पर से आर्क हम मारेंगे कंपास खोल के, ठीक है। हमारा ये हमने खोला और एक आर्क मारी, और ये हमारी एक आर्क ड्रॉ हो गई पूरी, ठीक है। सेम एज राइट साइड भी कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है, तो एक तरफ हमने कंस्ट्रक्शन दिखा दिया, दूसरी तरफ हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम
उतनी ही आर्क ले लेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये साइड व्यू भी बन गया है, अब हम इसको बस डार्क कर देते हैं और फिनिशिंग दे देंगे, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से यहाँ डार्क कर दिया और इसको यहाँ से यहाँ डार्क कर दिया और थोड़ी अब नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग कर दी हमने, ये जो हमारा डी था हमारा 40 दिया हुआ था और थिकनेस ऑफ नट हमारा 32 था, ये 32 mm। तो हम इसको यहाँ पे टच कर देते हैं, टच अप दे दिया हमने यहाँ पे, ये डी है हमारा ये, और इसकी नेमिंग हम कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक और ये हमारा डी है, ठीक है। अब हमारा थिकनेस ऑफ नट उसको भी ड्रॉ कर देते हैं 0.8D, ये जो 32 था हमारा इसको भी कर दिया हमने और इसको भी नाम दे देंगे, ठीक है। हमारा ये टॉप फ्रंट साइड व्यू कंप्लीट हो गया है हेक्सागोनल नट का। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बताएं मुझे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।